हवा गुड डे बच्चे, टुडे वी विल स्टार्ट आवर 12th चैप्टर, 8th स्टैंडर्ड 12th चैप्टर, हाकी द जादूगर मीन्स हाकी द एक बहुत बड़ा मैजिशियन जिसनों आप कह सकते हैं, क्लीयर। हॉकी विजार्ड, वैसे तो कहते भारत में अपने संसार में बहुत गेम है जो कि भारत तो है, पर कहते हॉकी जो कि अपनी एक नैशनल गेम है उस विच भी खिडारियों ने बहुत नाम कमाया है, जिवें आपां सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव इन्हां नूं अज तक याद करते हैं, उवें ही इन्हां हाकी दे विच एक व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है, वह है मेजर ध्यानचंद जो कि हाकी का जादूगर किया जाता सी। अज आपां उनके बारे पढ़ांगे और हॉकी बारे। लैट्स स्टार्ट बच्चे। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, भारत में खेडों का इतिहास बहुत पुराना है, समय समय से भारत के महान खिडारियों ने विश्व पद्धर से अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है, मीनस अपनी ईन मनवाई है, लोगों को कहने पर मजबूर कर दिता है कि भारत में भी बहुत महान खिडारी है। भारत के महान खिडारियों की सूची बहुत लंबी है, जेकर असी इस संबंध में राष्ट्रीय खेड हॉकी की गल करिए ता इस दे खेड नाल संबंधित खिडारियों ने संसार पद्धर ते बहुत नाम कमाया है। कहिंदे वैसे तो सारिया राष्ट्रीय खेडों विच भारत का नाम अगे है, पर हॉकी विच कहिंदे उस विच भी संसार पद्धर ते नाम अगे है। एशियन खेडा, विश्व खेडा, ओलंपिक खेडों विच भारत के हाकी खिडारियों ने बहुत ही शानदार इतिहास सिरजिया है, सिरजिया मतलब बनाया है। भारत विच राष्ट्रीय खेड हॉकी विच बहुत ही महान खिडारी होए हैं, अज भी लोग अजीतपाल सिंह, बलबीर सिंह सीनियर, सुरजीत सिंह, अशोक कुमार, प्रगट सिंह, गगनजीत सिंह, संदीप सिंह, सरदारा सिंह की खेड नूं पसंद करते हैं। इन सारे खिडारियों के नाल नाल एक होर महान खिडारी है जिसनों हाकी का जादूगर कहा जाता है, वह है मेजर ध्यानचंद। यह बच्चे कि सारे जो नाम दिते गए हैं यह हॉकी के प्रसिद्ध खिडारियों के नाम है जो कि अपने समय से बहुत महत्वपूर्ण बहुत नामना खटिया है। उन्होंने सब तो अगे मोहरी है मेजर ध्यानचंद जिन्हों हाकी का जादूगर या हॉकी विजार्ड के नाम नाल जाने जाता है, मीनस उसनों यह उपाधि दी गई, जिवें मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख किया जाता है, सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर किया जाता है, उवें ही मेजर ध्यानचंद हाकी का जादूगर किया जाता है, क्लीयर। हाँ जी, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी उत्तर प्रदेश के शहर प्रयाग इलाहाबाद विखे फौजी सुमेश्वर सिंह के घर होया सी, मीनस टूडे 29 अगस्त एंड हिज बर्थडे टूडे। हाँ जी, उसके पिता जी ते दो भरा मूल सिंह ते रूप सिंह भी हाकी खेडते सन, यानी हाकी उन्होंने खेडना विरासत ही मिलिया ते वो अपने समय के महान खिडारी सन। पिता दे फौज विच होने कारण मेजर ध्यानचंद भी फौज विच भर्ती हो गए ते हाकी खेडनी शुरू कर दिती। उस समय ध्यानचंद सिर्फ 16 वर्यां दे सन, मीनस 16 साल दे सन, वह फौज विच सेंटर फॉरवर्ड वजो खेडते सन। सेंटर फॉरवर्ड है बच्चे एक कह लो कि जिवें क्रिकेट टीम विच कोई विकेट कीपर हुंदा है और फुटबॉल च गोलकीपर हुंदा है, उवें ही हॉकी च एक सेंटर फॉरवर्ड वजो यानी सेंटर च आके खेलना, ठीक है। उन्हां दी मुहारत सदका ही, मुहारत मीनस योग्यता कैपेबिलिटी, उन्होंने 1928 ईस्वी एमस्टरम दियां ओलंपिक खेडों में शामिल होने वाली हाकी टीम का मैंबर चुनिया गया। इन्हां खेडों में भारतीय टीम ने सोन तगमा मीनस गोल्ड मैडल जीतिया। इस विच ध्यानचंद ने बहुत गोल किए। इस मगरों भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों विच ध्यानचंद ने अपनी खेड नाल लोकां दा ध्यान अपने वल खिंचिया। उन्हां दी खेड सदका ही भारत सरकार ने उन्हां नूं फौज विच मेजर दा रैंक दे दिता 1932 दियां, मीनस कि मेजर दा रैंक क्योंकि वह बहुत वधिया खेडदे सन, इस तों खुश होकर भारत सरकार ने उन्हां नूं मेजर दा रैंक दिता, तां ही उन्हां नूं मेजर ध्यानचंद क्या जाता है। 1932 ईस्वी दियां लॉस एंजलस ओलंपिक विच भारतीय टीम ने फाइनल विच USA नूं 24-1 दे वड्डे फर्क नाल हराया, 24-1 यानी गोल कि 24 गोल इंडिया दे सी और एक उन्हां दा, क्लीयर।
तो इस विच अठ गोलों का योगदान ध्यान चंद ने पाया, 24 अठ गोल ध्यान चंद दे सी। बर्लिन विखे हुई 1936 के ओलंपिक खेडों में भारत का मुकाबला होम टीम जर्मनी नाल होया कि जर्मन का एक शहर है बर्लिन, उत्थे ओलंपिक खेडा हुई सन 1936, उत्थे भारत का मुकाबला किंदे नाल सी, होम टीम यानी जर्मनी की टीम नाल। हिटलर जो कि उस समय जर्मन का बहुत वड्डा लीडर कह सकने सी, उचेचे तौर पर मैच वेखन आया। सारा मैच तनावपूर्वक वातावरण में खेडिया गया। तनावपूर्वक क्यों सी? क्योंकि कदे मैच लगता सी कि जर्मन टीम जीतेगी, कदे लगता सी कि भारत की टीम जीतेगी, इस करके सारा मैच की सी तनावपूर्वक सी। जर्मनी टीम ने ध्यान चंद का एक दंद भी तोड़ दिता। इस मैच में कुल 8 विचों 6 गोल ध्यान चंद के हिस्से